तो दोस्तों, हमारे देश को अगर विदेशी आयात से कोई मुक्त कर सकता है तो वो हैं हमारे देश के सभी छोटे बड़े स्टार्टअप्स, जिनके बारे में बात करना और सपोर्ट करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो वहीं से जुड़ी हुई एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है, जहां पर IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने भारत में पूर्ण स्वदेशी रूप से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को बना करके तैयार कर लिया है, जिसके लिए भारत सरकार इसी के साथ में एक भारतीय कंपनी का सपोर्ट भी मिला है, जो इनको नई ऊँचाई पर ले जा सकती है। साथ ही में भारत में इम्पोर्ट होने वाले चाइना सहित कई देशों पर इससे निर्भरता को भी खत्म किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के डिले होने की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया था, लेकिन IIT की लगातार दिन रात के प्रयास से सिर्फ 10 दिनों के अंदर इसको बना करके तैयार किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आइए बात करते हैं इस स्टार्टअप के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर IIT कानपुर इसी के साथ में इंडीमा फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर के इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को बना करके तैयार किया है। बेसिकली हम बात करें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स क्या होते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू कोविड सेकेंड वेव। बट यहाँ पर हमें अगर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है तो वो 8,000 से 10,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर हम बात करें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की तो ये 40,000 से लेकर के 90,000 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें बार बार ऑक्सीजन फिल करनी नहीं पड़ती है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही में IIT का कहना है कि इसको हम लो से लो प्राइस पॉइंट पर बना करके तैयार करेंगे ताकि सभी लोग इसको खरीद सकें। अब बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट का डिले कैसे हुआ। तो इस स्टार्टअप की शुरुआत की गई थी पिछले साल यानी कि 2020 में, और ये स्टार्टअप तैयार किया गया था भारतीय सैनिकों के लिए, जो लगातार बॉर्डर पर काम करते रहते हैं और वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए तैयार किया जा रहा था। कुछ रीजंस की वजह से इनको अप्रूवल नहीं मिल पाया और इनका जो है काम वो रुक गया, लेकिन फिर से कोविड की सेकेंड वेव के चलते इस पर काम किया गया और 10 दिनों के अंदर बना करके तैयार किया, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है कि ये प्रॉपर तरीके से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 4 मई को की गई थी और आज 15 मई है, तो इनको सक्सेसफुली बना करके तैयार कर लिया गया है, जहां पर PMO की तरफ से इनको अप्रूवल दिया गया है। इसी के साथ में अब ONGC की तरफ से 4,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन यहां पर IIT 5,500 इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को बना रही है, जिसमें से 500 तेलंगाना गवर्नमेंट को जाएंगे और 500 स्टॉक में लगाए जाएंगे। साथ ही में जानकारी के लिए वो बता दें कि इसी कंपनी को पिछले साल N95 मास्क बनाने के लिए कई इंटरनेशनल गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रूवल दिया गया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर फिलिप जैसी कंपनियां इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को सप्लाई करती हैं, लेकिन वो भारत के अंदर कम प्राइस पॉइंट पर इनको बेच सकें, इसलिए वो ज़्यादातर चाइनीज कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल करती हैं। बट यहाँ पर इसको IIT कानपुर की तरफ से पूर्ण स्वदेशी रूप से बना करके तैयार किया गया है, जो 25 मई तक हमारे हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है IIT कानपुर के इस नए स्टार्टअप के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।